कहते हैं हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। चमकने की यही जद्दोजहद जो है हरियाणा की राजनीति के तीनों लाल के वारिसों के बीच है। जी हाँ, चार दशक तक हरियाणा की राजनीति जिनके इर्द गिर्द सिमटी रही, आज उन्हीं खानदानों की राजनीतिक विरासत सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। इस विधानसभा चुनाव में तीनों लाल के परिवार अलग पार्टी अलग चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बताते हैं कि बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल जिनसे हरियाणा की पहचान थी, वही परिवार अब कई धड़ों में बट चुके हैं। दाऊ रहने की लालसा में चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिया था, आज उन्हीं का परिवार विरासत की जंग में दो धड़ों में बट चुका है। ओपी चौटाला के बड़े बेटे अजय ने पिछले साल नई पार्टी जननायक जनता पार्टी बना ली। ये फूट 2013 के बाद से शुरू हुई, जब जेसीबी घोटाला केस में ओपी चौटाला और अजय चौटाला को जेल जाना पड़ा। इसके बाद INLD की कमान पूरी तरह से छोटे बेटे अभय के हाथ में आ गई। 2014 के चुनाव में जब राजनीति में अजय चौटाला के बड़े दुष्यंत की एंट्री हुई, उन्होंने हिसार लोकसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई को हराया और हराकर सबसे युवा सांसद बन गए। दुष्यंत के सांसद बनने के बाद से INLD धीरे धीरे दो खेमे में बंटता चला गया। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला खेमे में बट गई और 2018 में ये फूट सबके सामने आ गई, जब अजय के दोनों बेटे दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से बाहर कर दिया गया। अपने पिता की मदद से दुष्यंत ने जींद के हुड्डा ग्राउंड में जननायक कहे जाने वाले देवीलाल की विरासत का दावेदार बताते हुए जननायक जनता पार्टी का ऐलान कर दिया। इस चुनाव में चौधरी देवीलाल की विरासत के दावेदारों में से एक अजय चौटाला के परिवार से JJP के टिकट पर दो उम्मीदवारों की साख दांव पर है। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला प्रत्याशी, बाढ़डा सीट से नैना चौटाला प्रत्याशी। नैना चौटाला अजय चौटाला की पत्नी हैं। 2014 में नैना चौटाला ने INLD से चुनाव लड़ा था, डबवाली विधानसभा सीट से जीती थी। वहीं INLD की कमान संभाले अभय चौटाला एलनाबाद से चुनावी मैदान में हैं। देवीलाल चौटाला के बेटे जगदीश सिंह चौटाला के बेटे आदित्य सिंह डबवाली सीट से BJP की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। वहीं रणजीत सिंह चौटाला टिकट नहीं मिलने के बाद रनिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व CM भजनलाल के दो बेटे कुलदीप बिश्नोई आदमपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं चंद्रमोहन पंचकुला सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2014 में कुलदीप बिश्नोई ने अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कर दिया था। चौधरी भजनलाल 3 बार हरियाणा के CM रहे। वो हरियाणा की सियासत में पहले गैर जाट नेता थे, उन्हें किसानों का नेता माना जाता था। भजनलाल अपने राजनीतिक करियर में कभी फेल नहीं हुए, वो 9 बार विधायक चुने गए। 2007 में कांग्रेस से नाता तोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम से अलग पार्टी बनाई थी। बात करें तीसरे लाल की तो उन्हें हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। चौधरी बंसीलाल 3 बार हरियाणा के CM रहे। बंसीलाल की विरासत संभाल रहे उनके छोटे बेटे सुरेंद्र चौधरी की 2005 में हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। ससुर और पति की विरासत किरण चौधरी संभाल रही हैं। 2009 में किरण ने अपनी बेटी को भिवानी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था और वो जीत भी गईं। हालांकि 2014-2019 लोकसभा चुनाव हार गईं। इस बार बंसीलाल के घराने से किरण चौधरी, रणबीर महेंद्रा और उनके दामाद सोमवीर सिंह चुनावी मैदान में हैं। किरण चौधरी तो शाम से कांग्रेसी प्रत्याशी, रणबीर महेंद्रा भद्रा से कांग्रेसी प्रत्याशी, सोमवीर सिंह लोहारू से कांग्रेस कैंडिडेट। इस बार लाल परिवार से 10 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। सभी पर विरासत की राजनीति को बचाने की चुनौती होगी। शहमात के इस खेल का नतीजा क्या होता है, ये तो 24 अक्टूबर को ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।